विदिशा के नगर पठारी में शनिवार की रात को मैन मार्केट स्थित विकास ज्वेलर्स पर चोरों ने धावा बोल दिया। एक ही वक्त में दो शटर के ताले तोड़ चोर लाखों रुपए मूल्य के जेवर ले उड़े। वहीं घटना का जायजा लेने पठारी पहुंची एसपी मोनिका शुक्ला ने लोगों को भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि जल्द ही हम इस चोरों का पता निकाल लेंगे। मौका ये वारदात पर पठारी पुलिस के साथ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग एक्वायर्ड ने आसपास के एरिया को सर्च किया एवं सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है। गौरतलब है कि बेखौफ अपराधी इस तरह की वारदातों को मार्केट में पहले भी अंजाम दे चुके हैं। वहीं दुकान के मालिक चंद्रमोहन सोनी ने अपनी दुकान में 6.5 से 7 लाख का नुकसान होना बताया है। वहीं दूसरी दुकान नंदकिशोर सोनी की है, जिसमें 1 लाख की चोरी की आशंका है। वहीं थाना प्रभारी दीपक राठौर ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। यहां थाना में हमने पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया कि हमारी क्या प्रायोरिटीज हैं। हमारी प्रायोरिटीज हैं ट्रैफिक सुधारना, हमारी प्रायोरिटीज हैं चोरी कम करना और जो अवैध गतिविधियाँ हैं उनको रोकना। आज पता चला कि यहाँ मार्केट में चोरी हो गई है तो स्टाफ लगा दिया है, कुछ 3-4 बिंदु दिए हैं। आजू बाजू में सीसीटीवी फुटेज में वो कुछ आए हैं तो उस पर हम काम कर रहे हैं। आशा करते हैं हम इस चोरी को निकाल लेंगे। साथ ही व्यापारी बंधुओं से ये भी अनुरोध है कि वो अपने अपने प्रतिष्ठान के सामने संभव हो सके तो सीसीटीवी कैमरा अपने दुकान के आउटर में लगा लें तो जिससे भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोक लगेगी और हम गश्त को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और यहीं पठारी के लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि वे सुरक्षा समिति में भी शामिल हों ताकि उनको भी हम पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करवा सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।